कारण सीधा सा है कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों पर 2018 में निकली थी, उसकी प्रोविजनल सूची चयन सूची आज तक जारी नहीं हो पाई। हम लोगों ने पीपी किट आज इसलिए पहना है कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम वही लोग हैं जो कोविड काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, और काम करते हुए हमारे 3 साथी शहीद भी हो गए। इसके बावजूद सरकार ने केवल आज तक हमें आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। आज हम भूखे बैठे हैं, एक ही जिद पे बैठे हैं कि हम यहाँ से उठेंगे तो लिस्ट लेके उठेंगे, नहीं तो काली दिवाली यही मनाएंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, यहाँ शहीद हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने आज तक जो भी आश्वासन दिए, सारे आश्वासन झूठे साबित हुए। 22 गोदाम धरना हुआ, 23 फरवरी 2021 को जो धरना हुआ था, उस धरने में रात को सुभाष जी गर्ग आए, राजेंद्र जी यादव आए, उन्होंने आश्वासन दिया था 20 दिन में तुम्हारी सूची जारी कर देंगे। आज दिनांक तक सूची जारी नहीं हो पाई। साड़ा आकर हमसे बात की गई थी, धर्मेंद्र जी राठौड़, रघु जी शर्मा वहाँ आकर हमसे बात की, उन्होंने कहा था कि आपकी चयन सूची 1 महीने में जारी कर देंगे आचार संहिता खत्म होने के बाद। उसके बाद ना जाने कितनी आचार संहिता आई और चली गई। सरकार ने आज तक हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया, और उनके आश्वासन हमेशा झूठे साबित हुए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये साथी आज यहाँ पे बैठे हैं, आज इतनी सी संख्या में, कल हजारों की संख्या में आके यहाँ बैठेंगे और काली दिवाली यही मनाएंगे। हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि हमारी गलती क्या है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। आज 3 साल 3.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। क्यों? हमने कोविड में काम करके गलती कर दी, या हमने स्वाइन फ्लू में काम करके कर दी, हमने डेंगू में काम करके गलती कर दी? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिससे सरकार हमारे को आज तक चयन सूची जारी नहीं कर पाई? हमारी गलती बताए। अगर हम गलत है तो हम सूची की मांग तो छोड़ो, हम प्रयोगशाला सहायक भर्ती की बात तक नहीं करेंगे, यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सरकार के प्रति थोड़ी तो संवेदना उनमें होनी चाहिए। ये तो संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ भूखे पैसे बैठे हैं, 21 दिन हो गए हमारे को धरने पर बैठे हुए, सरकार ने आज तक हमारी सूची नहीं ली, और विभाग रोज हमें चक्कर देता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और रघु जी शर्मा से यह अपील करना चाहता हूँ कि हमें या तो चयन सूची दे दो, या हमें अपनी देह लीला समाप्त करने का परमिशन दिला दो, हमें कोर्ट से आदेश दिलवा दो कि तुम मर जाओ, हम मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, हमें नहीं चाहिए चयन सूची। फिर